दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय हर लम्हा बन जाए मन पसंद एंड को स्पॉन्सर्ड बाय बेक पार्लर रेसिपी मिक्स मसाला मिलाएं और मजेदार बारबेक्यू मैकरोनी तैयार। वेलकम बैक दोस्तों, और अब ज़रा सा लिखिए कुनाफा की रेसिपी के लिए जो चाश बनानी है, जो कि फैनियाँ हमने अवन में बेक करने के लिए रखी हुई है। एक कप पानी है सॉस पैन में और दो कप चीनी जो है मैं डाल रही हूँ, और साथ में मैं डाल रही हूँ एक चाय का चम्मच भरा हुआ रोज़ एसेंस का। इसको हम मिक्स करेंगे और मज़ेदार किस्म की मीठी सी चाशनी जो है वो तैयार हो जाएगी आपकी बातों जैसी। और फिर उसके बाद जो है हम इसको जो है कुनाफा के ऊपर यानी फैनियों के ऊपर डालेंगे। और फिर हमें अच्छा ये डिफरेंट तरीके से तैयार होता है, जैसे यूएई में इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाया जाता है, अरब ममालिक में जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है वहाँ पर जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, इजिप्ट की साइड पर ये डिफरेंट बनता है। इसमें बहुत सारे लोग क्रीम चीज़ के साथ बनाते हैं, फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़ है, लेकिन फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़ आजकल बहुत महंगा हो गया हुआ है। उसका एक ब्लॉक आई थिंक 600 या 500 का है, तो मैंने चूँकि थोड़ा सा रेसिपी को मैं चाहती हूँ कि इकोनॉमिकल रहे, मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ क्रीम का, जो कि इजिप्ट की साइड पे जो है ये सिर्फ शीरे के साथ भी बनता है और उसके अलावा जो है ये क्रीम के साथ भी तैयार किया जाता है। तो मैं इसमें सिर्फ क्रीम डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको चीज़ के साथ भी इसकी टॉपिंग कर सकते हैं और फिर वो बेक किया जाता है। तो यहाँ पर तो चीनी घुल रही है दोस्तों, यहाँ अब हम काम शुरू करते हैं, और वो काम है जनाब हमारी रेसिपी फ़तीर का, जिसका कीमा जो है प्याज लहसुन हरी मिर्च नमक काली मिर्च के साथ पक रहा है। मैं ये करूँगी दोस्तों, सबसे पहले मैं एक प्याले में डालती हूँ चिकन स्टॉक, इस तरह से चिकन स्टॉक डाल के मैं डिश को जो है अगेन ये वाला अच्छा जी ये जो है हम ग्रीस करते हैं डिश को। और बात करते हैं हबीबा से, हबीबा कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, और आप देखिए मैं सोक करूंगी पत्तियों को ऐसे सूप में और इसको इस तरह लगाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम हबीबा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हबीबा? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी रेसिपी आप आज बना रही हैं। जी शुक्रिया, बहुत डिफरेंट भी है। जी थोड़ी सी डिफरेंट भी, अब आप मजे की आप ट्राई कीजिएगा, आसान भी बहुत है, अच्छा लगेगा आपको। हाँ, मैं देख रही हूँ आपका प्रोग्राम। मुझे आपसे ये पूछना था, मैंने फ्राइडे को भी कॉल की थी लेकिन टाइम खत्म हो गया। अच्छा ओके बताइए। आपने चिकन बनाई थी ना जी, फ्राई की थी, जी जी बिल्कुल थी ना। हाँ, जी जी तो उसमें आपने कुछ मैरिनेशन में क्या चीज डाली थी वो जरा बता दीजिए। जी जरूर मैं बता। जब आपने स्टीम किया ना वहाँ से मैंने शुरू किया। अच्छा अच्छा, मैं बिल्कुल टाइम भी खत्म हो गया था तो मैं आपको बता नहीं सकी थी। हाँ हाँ हाँ, और दूसरी बात ये कि एज ए डिजाइनर आप हमें कुछ बताएं ईद की तैयारी के लिए। अच्छा जरूर मैं आपको बिल्कुल बता दी। ओके थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, खुदा हाफिज़। अच्छा दोस्तों यहाँ देखें मैंने कोई 3-4 पट्टियाँ ली हैं और उनकी मैंने एक बेस बना दी है, ठीक है। और हबीबा को मैं बताती हूँ, मुझे मेरी टीम ने उस पर कहा भी था कि एक कॉल आई है जो कि पूछ रही है चिकन की रेसिपी, लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका था तो मैं बता नहीं सकी थी। सबसे पहले तो मैं आपको रेसिपी के बारे में बता दूँ, तकरीबन 5 पट्टियाँ जो हैं बेस में हमने बिछा दी हैं और उसके ऊपर मैंने सूप में डिप किया है उसको, और मैंने बिछाया है इस तरह से। और फिर मैंने हर 4 या 5 पट्टी के बाद आप ऑयल की थोड़ी सी ब्रशिंग कर देंगे, और फिर इसके ऊपर अब हम कीमा डालेंगे। मैं देख लूँ कि कीमा जो है उसको थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं आंच ताकि पानी सूख जाए, और उतनी देर हम हबीबा को जवाब दे देते हैं उनकी रेसिपी का, और साथ में ज़रा कुनाफा भी देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचा है। जी थोड़ा सा अभी और बेक हो सकता है ये, मैं आई थिंक थोड़ा तेज़ी कर देती हूँ अवन को, ठीक है। अवन की लाइट ऑफ हो गई है, प्लीज़ चेक कीजिएगा कि लाइट वहाँ से जल रहा है कि नहीं। जी तो प्लीज़ टीम ज़रा सा चेक कर लीजिए। अच्छा जी तो हबीबा की रेसिपी जो है वो ये है हबीबा कि आपने मुर्गी बेसिकली अदरक और लेमन जूस के साथ तैयार होगी, और इसके अंदर आपको अदरक एक इंच का टुकड़ा आप इसको क्रश कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसमें नमक लेंगी, कुटी हुई काली मिर्चें लेंगी, कुटी हुई लाल मिर्चें लेंगी, उसके अलावा आपने ये हसब ज़ायका आप ले लेंगे, उसके अलावा आपने कुटा हुआ ज़ीरा लेना है, इसके अंदर जर्दे का रंग लेना है, लेमन जूस लेना है, और इन तमाम चीज़ों के साथ आपने इसको मैरिनेट कर लेना है। सिंपल सी रेसिपी है, कोई ऐसा ख़ास चीज़ें नहीं है।
और इसके बाद आप इसको स्टीम करेंगी, और स्टीम करने के बाद अंडों की सफ़ेदियाँ लेंगी आप, जर्दियाँ नहीं लेंगी, और उसमें नमक काली मिर्च लगा के आप उसको जो है जब ये स्टीम होके आएगा तो उसमें चिकन पीसेस को डाल के और आप फ्राई करके बाहर निकाल लेंगी। ठीक है, बस ये रेसिपी है। और हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ? मैं सालगिरह हूँ, जुमे को मेरी बेटी ने कॉल की थी ना। अच्छा जी, आपकी सालगिरह थी। हाँ, आप कैसी हो? ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज भी आप बड़ी प्यारी लग रही हो ब्लैक जोड़े में। अच्छा, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ, और आपने जो बटाटा वड़े बनाए थे ना। जी जी जी, आपने बोला था इंडिया की डिश है वो। जी 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 जी। हाँ, मैं भी इंडिया की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप इंडिया की रहने वाली हैं? अच्छा, शादी होकर आई हैं यहाँ पर। अच्छा, तो आप इंडिया में बटाटा खाती नहीं? हाँ, खाती भी थी, बनाती भी थी। अच्छा, तो फिर तो आपने जरूर बनाए होंगे अपने इंडिया को याद कर करके, अपने देश को। मैं यहाँ भी सिखाया मैंने अपनी भांजियों को। अच्छा चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, जबरदस्त बात हो गई। और जो लग रहा है आप बहुत अच्छे से खाने बनाती हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको पसंद आता है। अच्छा चले, जबरदस्त बात है ये तो बहुत, और आपका नाम भी बहुत प्यारा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है मुझे उसकी लाइट ऑन नहीं लग रही, लेट मी सी। दोस्तों, कभी कभी लाइट जो है ऑफ हो जाती है तो उसका मतलब है कि अवन ऑफ हो जाता है, और अवन ऑफ हो जाए तो खाना तैयार नहीं होता, ये बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा जी, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अब ये कीमा जो है मैं इसको डाल रही हूँ। वैसे आप बेहतर होगा कि कीमे के ठंडे होने का कम्प्लीट इंतज़ार कीजिए, क्योंकि वक्त ज़रा कम होता है, तो मैं इस पर के प्रोसेस कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने कीमा जो है वो डाल दिया इस तरह से, एंड अगेन हमें यही प्रोसेस जो है दोहराना है। अच्छा, मैं आपको बहुत लजीज पैटीज भी बनाना सिखाऊंगी घर के। ये देखिए, ये हो गया, एंड देन अगेन ये हो गया, और हमारे पास हो गया दोस्तों एक ब्रेक का टाइम। जैसे कि अभी मैंने 5 पट्टियों के साथ ये काम किया था, अगेन आप उसी तरह से करेंगे और फिर हम इस पर ब्रशिंग करेंगे। तो आपके आने तक मैं ये प्रोसेस जो है कंप्लीट करके रखती हूँ, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक लेते हैं, मुझे वापस से ज्वाइन कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या होगा। बहुत मज़े की रेसिपी है, जल्दी से वापस आइए, क्योंकि आप जानते हैं जायका इसी में है। This show is sponsored by Har Labha Ban Jaye Man Pasand Man Pasand and co-sponsored by Bake Parlor Recipe Mix Masala Milaye aur Mazedar Barbecue Macaroni Tayyar